हेलो सही विकल्प। अमीश, रुकिए मैं काट लेता हूँ। हाँ बेटा ले लो। निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। उसके कितने मार्क्स हैं? चार। कितने मार्क्स हैं? मिस लिखना तो दो, आप आगड़ आगड़ भूल जाते हो। ओके, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो आप। नहीं ऐसा नहीं है, अभी मैंने काट ही बाकी बुक। इससे पहले तो मैंने निकालने के लिए बोला था बेटा। चलो प्रश्न एक। निम्नलिखित विकल्प में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चार मार्क्स। कितने मार्क्स? चार। प्रश्न दो। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चार मार्क्स। उसके कितने मार्क्स हैं? चार। प्रश्न तीन। को तो सही। हाँ बेटा, दो प्रश्न लिख लिए बेटा। नहीं मिस, नहीं लिखे। आप तो आगे नहीं बढ़ रहे जा रहे हो, और वो क्लिक में स्क्रीन आ रही है, क्लिक में नहीं आ रही है। स्क्रीन तो प्रेजेंट ही है बेटा, आपके मोबाइल में शायद बहुत बारी आ रही है मिस, बहुत बारी आ रही है। मुझे एक प्रश्न लिख, मैंने एक प्रश्न लिख भी लिया। ओके कोई बात नहीं। ओके आपके मोबाइल में नेटवर्क कम आता होगा बेटा, इसीलिए चली जाती होगी। बारी के पास बैठा हूँ फिर भी। ओके प्रश्न तीन। मुहावरे का अर्थ और वाक्य लिखिए। अर्थ और वाक्य लिखिए। देखो इस प्रश्न में आपको अर्थ और वाक्य दोनों लिखने हैं। दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अर्थ लिखेंगे, वाक्य नहीं लिखेंगे, या वाक्य लिखेंगे और अर्थ नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको अर्थ और वाक्य दोनों लिखने हैं। उसके दो मार्क्स है, उसके मार्क्स है दो। फिर प्रश्न चार। समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। इसके मार्क्स है एक। आपको दो लिखने होंगे
दो समानार्थी शब्द दिए जाएंगे और दोनों के जवाब लिखने हैं और मार्क्स हैं एक। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, विरोधी शब्द लिखिए, इसमें भी आपको दो विरोधी शब्द पूछे जाएंगे, दोनों लिखने हैं और उसके मार्क्स है एक। उसके बाद प्रश्न छः, हिंदी वाक्य का, काउंस में गुजराती, काउंस पूरा अनुवाद कीजिए। यहाँ पर कई जो विद्यार्थी हैं वह हिंदी जो वाक्य दिए गए हैं उसी हिंदी वाक्य को ही लिख देते हैं, यानी कि सुलेखन कर देते हैं, मगर यहाँ पर सुलेखन नहीं करना है। हिंदी वाक्य जो दिए गए हैं उसका गुजराती आपको करके लिखना है, गुजराती में उस वाक्य का अनुवाद करना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न सात, निम्नलिखित, प्रश्नों के, एक वाक्य में, उत्तर लिखिए, प्रश्न सात, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसके मार्क्स है पांच। पांच प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और पांच मार्क्स है। चलो, एक से सात तक के प्रश्नों की पेपर स्टाइल आप सभी ने लिख ली है बेटा? हाँ मिस। बराबर, मार्क्स गिनो तो कितने हुए? बीस। बराबर, तो हमारा एसए वन का पेपर है वह कितने मार्क्स का होता है? कितने मार्क्स का होता है? 40। तो यहाँ पर 20 मार्क हो गए और उसके बाद प्रश्न आठ लिखिए, निम्नलिखित, प्रश्नों के, चार पांच वाक्य में, उत्तर लिखिए, चार पांच वाक्य में उत्तर लिखिए।
यहाँ पर आठवें प्रश्न में आपको बड़े प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपको चार पांच लाइन में उसके जवाब लिखने हैं, और वह आपको बड़े प्रश्न पांच पूछे जाएंगे, एक प्रश्न के दो मार्क्स, यानी पांच पूछे जाएंगे तो उसके 10 मार्क्स हुए। कितने मार्क्स हुए? 10। फिर प्रश्न नौ, चित्र देखकर, वर्णन कीजिए, यहाँ पर आपको चित्र दिया जाएगा। मैंने यातायात का, फिर सोच अपने अपनी में, तीन या चार चित्र का वर्णन मैंने आपको लिखवाया है। ऐसा नहीं है कि चित्र का मैंने वर्णन लिखवाया है वही लिखना है। देखो, कोई भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है आपको। यहाँ पर चित्र में जो आपको दिख रहा है वह आपको अपने शब्द में हिंदी में लिखना है, बराबर। फिर प्रश्न दस, निम्नलिखित, विषयों में से, किसी एक विषय पर, निबंध लिखिए, हमने तीन निबंध लिखे हैं। कौन कौन से निबंध लिखे हैं? सेवेंटी नंबर। हेलो, 70 नंबर हमने कौन कौन से निबंध लिखे हैं बेटा? नहीं, अभी आपको साथ साथ लिखना ही है। 74 नंबर। पता है वीडियो नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ लिखो बेटा, समझो। मुझे पता है, बाद में मैं ये भेज दूंगी, ठीक है? अभी तो बाद में मैं भेज दूंगी, ओके। 93 नंबर। एक हमने जल ही जीवन की थी, फिर पेड़ का महत्व, फिर क्या? स्वच्छता का महत्व, हाँ, बराबर। पानी का महत्व, पेड़ का महत्व और स्वच्छता का महत्व। वो कहानी है, कहानी नहीं, यहाँ पर हम निबंध ही पूछेंगे, ठीक है? कहानी बाद में पूछेंगे हम। तो निबंध जो है उनमें से कोई भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा, कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, एक ही विषय दिया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर 10, 5 और 5, यानी कि निबंध के 5, चित्र वर्णन के 5 और प्रश्न के उत्तर जो बड़े है, यानी कि 2-4 वाक्य में प्रश्न के उत्तर लिखिए, उसके 10 मार्क्स, 20 मार्क्स और 20 मार्क्स यहाँ, यानी कि 40 मार्क्स की हमारी पेपर स्टाइल हो गई, बराबर। अब अपनी नोटबुक्स में प्रश्न एक करके लिखिए। दो प्रश्न बाकी है, ये कौन से? 9 और 10। कौन से? 9 और 10। कौन से प्रश्न? 9
हेलो मिस, 9 और 10। हाँ लिख लो बेटा। चित्र देखकर वर्णन कीजिए, 5 मार्क्स। और प्रश्न 10, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। रुकना, 10 वाले लिख लिख लिया? लिख लिया, नहीं लिखा लिखा। हूँ। किसने अभी बहुत देर लगाई थी बेटा? 10वां प्रश्न बाकी है, आप कितने तेज बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न 1, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है मगर वह प्रश्न 1 है। कौन सा है? 1 है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि निम्नलिखित वाक्य में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। 63 नंबर। हमें आप पढ़िए बेटा। रिक्शा में बस के पास क्या है? रिक्शा पहले प्रश्न पढ़िए। प्रश्न 1 सही। रिक्शा हाँ निम्नलिखित वाक्यों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही वेरी गुड। उसके बाद विकल्प चुनकर लिखिए। चित्र में बस के पास क्या है? रिक्शा। वेरी गुड। चलो बीजू। यह फूड। उसके बाद 70 नंबर। 70 नंबर पानी आप पढ़िए बेटा। में कौन कौन से साधन है? जवाब जहाज और नाव। जहाज और नाव। वेरी गुड। 74 नंबर। किसका कितना हुआ जो? उसके बाद का बेटा? पानी में कौन से साधन यह तो हमने, यह तो अभी अभी बोला गया है। आपका ध्यान कहाँ है बेटा? क्या दिखाई दे रहा है? हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। वेरी गुड। 88 नंबर। नाइन्टी थ्री नंबर एट ओके 88 बोलिए बेटा। आखिरी जो विकल्प है वो बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। वेरी गुड। चलो इसके बाद 93 नंबर। लिखने का। हेलो मिस। हेलो अपने मिस। अपने स्पीकर बंद, अपने स्पीकर बंद कर दीजिए। पहले हेलो मिस। इसकी अभी हम यहाँ पर हेलो रिवीजन करेंगे। इसकी पीडीएफ है वो मैं आप दूंगी। आप को एक बार रफ बुक में और फेयर बुक में लिखना है। मिस, मुझे पहले का बाकी है। हेलो हाँ बेटा वो मैं पीडीएफ भेज दूंगी। मिस, चलो 93 नंबर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? जवाब जवाब नीचे दिया गया है, ड्राइवर। पढ़िए। वेरी गुड। चलो 63 नंबर। उसके बाद का पढ़िए मिस कितना दूसरा।
दो पहिए वाले यातायात का साधन कौन सा है? साइकिल और स्कूटर। वेरी गुड, 70 नंबर, नहीं 70 नंबर। सेवेंटी नंबर हेलो मीर, आप बोलिए बेटा। तीसरा विकल्प, चार पहिए वाला यातायात का साधन कौन सा है? मोटर कार। वेरी गुड। 74 नंबर, 74 नंबर। यहाँ पर नंबर बोला था है, वो फटाफट से आए बेटा, उसके बाद का बोलिए। चार से अधिक अधिक पहिए वाले यातायात के साथ कौन से हैं? बस, रेल, ट्रैक्टर आदि। ट्रक है बेटा, ट्रैक्टर नहीं है, बराबर। ओके, 88 नंबर। नंबर यस मिस, बस आप बोलिए बेटा। दो चार पहले चार से अधिक पहले यातायात के साधन कौन कौन से? बस, रेल, ट्रक आदि। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन के नाम क्या है? साइकिल, ऑटो रिक्शा आदि। ओके, 93 नंबर, 93 नंबर। हेलो, हाँ मिस, बड़द गाड़ी को हिंदी में क्या कहते हैं? बड़द गाड़ी को हिंदी में बैलगाड़ी कहते हैं। वेरी गुड, 63 नंबर, हेलो मिस, सेवन कौन सा नंबर? रोल नंबर एक मिनट बेटा। से 77। ओके ओके, 77 नंबर। ओके, 63 बच्चों, नंबर आप हाँ, बोलिए। दो बच्चे कहाँ बैठे हैं? पुस्तक नीचे। ओके, 77 नंबर। हाँ मिस, बगीचे में फव्वारे के पास कौन है? फव्वारा कैसा है? मछली आकार का। वेरी गुड, इसके बाद का भी आप ही बोलिए। नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? जय हिंद। वेरी गुड, चलो 70 नंबर, 70 नंबर। हेलो मिस, हाँ 70 नंबर बेटा, हाँ बोल रहा हूँ। उसके बाद का विकल्प पढ़िए दूसरा बेटा। नारायण देश का सिपाही है। नन्हा मुन्ना राही देश का सिपाही है, 74 नंबर। सेवेंटी फोर नंबर, 88 नंबर। हाँ मैं 74। बोलो, नन्हे मुन्ने राही का नारा क्या है? जय हिंद, कहाँ जय हिंद। गए थे बेटा? तीसरा विकल्प आपको बोलना है। नन्हे मुन्ने राही दुनिया में कहीं कहीं बम नहीं गिरने देगा। आप कहाँ चले गए थे बीच में? एटी एट नंबर, एटी एट नंबर आप बोलिए बेटा, आखिरी विकल्प। नन्हे हाँ, मुन्ने राही ने ठंडी की नगरी
देश को कहीं कहा अपने देश को कहा है, तो है। कहा वेरी गुड। चलो इसके बाद का है विकल्प 93 नंबर, कैंसर। पढ़ा हूँ, खाली जगह में फल और सब्जियां है, टोकरी में फल और सब्जियां है। वेरी गुड। 77 नंबर, हाँ मिस, उसके बाद का रसोई बेटा। घर में बहुत सारे बर्तन बर्तन है होते हैं। वेरी गुड। चलो 63 नंबर, आप बोलिए बेटा। आपको तीसरा विकल्प बोलना है बेटा, 63 नंबर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। नंबर 70 नंबर, सेवेंटी फोर नंबर, हाँ मिस, तीसरा विकल्प पढ़िए। तीसरा लड़का खाली क्या खा रहा है, खाना। वेरी गुड। 88 नंबर, यस आप बोलिए। रसोई में बहुत सारे खाली जगह होते हैं, बर्तन। वो नहीं बेटा, वो तो बोला गया है, आखिरी जो है वह बोलना है आपको। वेरी गुड। चलो 77 नंबर, सेवेंटी सेवन नंबर, सेवेंटी सेवन नंबर, 63 नंबर, सिक्सटी थ्री। हाँ नहीं, आ जाना हाँ आ रही है। चलो ये विकल्प पढ़िए बेटा। मेरा केला, केला। हाँ पहला, रसोई घर में खाली जगह, रसोई बना रही है माता। उसके बाद का पढ़िए। लड़का खाली जगह वजन कर रहा उसके बाद का, है, बर्तन खाली जगह है, चूल्हे पर, चूल्हे के पास, ओके उसके बाद, दादी माँ खाली जगह पुस्तक पढ़ रही है, माता उसके बाद, खाली जगह गैस के चूल्हे के पास बैठे हैं। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर हमने पेपर स्टाइल के अनुसार प्रश्न एक जो है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए, वह यहाँ पर पूरा होता है। इसकी PDF जो है वह मैं आपको भेज दूंगी पेपर स्टाइल के साथ। आपको पेपर स्टाइल सबसे पहले लिखनी है, उसके बाद से प्रश्न एक सही विकल्प चुनकर लिखिए, सूचना लिखकर सारे प्रश्न लिखने हैं। इसी प्रकार एक एक करके पेपर स्टाइल के अनुसार मैं सारे प्रश्न आपको भेज दूंगी। एक बार आपको फेयर बुक में लिखना है और एक बार आपको रफ बुक में लिखना है, टोटल दो बार आपको लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा टास्क जो है वह पूरा होता है। हेलो मिस, हाँ पेपर स्टाइल मोकल सो ने।